नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सर्दियों के लिए स्पेशल हल्दी और बादाम वाला दूध बनाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही में हेल्थ तो होती ही है इसमें। बादाम और हल्दी हम जानते हैं हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आइए इस तुरंत से बन जाने वाले और बहुत ही टेस्टी से हेल्दी ड्रिंक को बनाते हैं। तो देखिए, ये मैं 3 छोटे गिलास दूध बना रही हूँ लगभग 200 ml के। तो इसके लिए मैंने 30 बादाम लिए, इन्हें रात भर भिगो दिया है। आप कम से कम 8-10 घंटे के लिए भिगोएं और इन्हें अच्छे से धो करके हमें अब छील लेना है। तो याद रखिए, आपको अच्छे से इन्हें भिगोना है। और देखिए, मैंने इन्हें छील लिया है। अब इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो आप मिक्सर जार ले लो, इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो दूध डाल करके इसको हम पीस लेंगे और एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो आइए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक भगोना लिया है, इसमें मैं 600 ml दूध डाल रही हूँ और इसे अब हम एक बॉईल आने देंगे। तो पहले हम गैस तेज रखेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। इसके बाद हमें गैस कम कर देनी है और देखिए, इसमें आधी चम्मच हम हल्दी डालेंगे और अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। और अब गैस कम और लो और मीडियम की तरफ ही रखनी है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो 5-7 मिनट दूध को गाढ़ा करने के बाद देखिए, मैं 3 छोटे चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हम फिर से 5-7 मिनट के लिए चलाएंगे। और इसके बाद देखिए, जो हमने बादाम का पेस्ट बनाया था, देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें फाइन पेस्ट बनाना है, वो इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा कुटी हुई बादाम भी डाल सकते हैं या काट करके। अब इसे हमें अच्छे से 15-20 मिनट के लिए बॉईल करना है। थोड़ा सा हम पीसी हुई इलायची डाल देंगे इसमें और अब गैस को कम करके हमें इसे छोड़ देना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें इलायची की और बादाम की खुशबू हो जाए। अब देखिए, रेडी है ये और बहुत ही अच्छे से, थोड़ा थिक भी हो गया है और इसमें बादाम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इसे गर्म पीजिए या ठंडा, अगर इसे आप थोड़ा ठंडा कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अब रेडी हो गया है पीने के लिए। तो देखिए, इस तरह से आप सर्व कीजिए इसे, बहुत ही टेस्टी है और अच्छा भी बहुत दिखता है। और इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे कटे हुए पिस्ता और बादाम से। तो देखिए, कितनी जल्दी घर में ही बादाम का दूध रेडी हो गया है और हल्दी है इसमें, तो बहुत ही हेल्दी है ये।